नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड में कैबरे और आइटम डांस का ट्रेंड शुरू करने वाली एक्ट्रेस हेलेन जी 21 नवंबर यानी आज अपना 52वां बर्थडे मना रही है। बॉलीवुड में वैसे तो अब आइटम सॉन्ग का चलन काफ़ी आम हो चुका है, लेकिन सबसे पहले हेलेन ने बड़े पर्दे पर तड़कता भड़कता डांस दिखाया था। हेलेन जी एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपने डांस के दम पर सभी के दिल पर राज किया है, और उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ खास बातें। और हेलेन जी का पूरा नाम हेलेन रिचर्डसन है, और हेलेन के पिता म्यांमार की सेना में थे, और एक युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई, और पिता के गुजर जाने के बाद उनकी माँ ने एक ब्रिटिश सैनिक से शादी की, जिसके चलते हेसन का सरनेम बदल कर रिचर्डसन हो गया, लेकिन उनकी भी विश्व युद्ध में मौत हो गई थी। हेलेन के एक भाई रोजर और बहन जेनिफर हैं। जब जापान ने बर्मा पर कब्जा किया तो हेलेन का पूरा परिवार भारत आ गया, और गरीबी ने बनाया आइटम गर्ल। जी हाँ दोस्तों, भारत आने के दौरान उन्हें जंगलों और कई गांवों से गुजरना पड़ा। भूख और प्यास से बेहाल हेलेन और उनके परिवार को गाँव वालों ने खाना दिया। भारत आने के सफ़र के दौरान हेलेन की मां प्रेग्नेंट थी, लेकिन भूख और प्यास के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका मिसकैरेज हो गया, जिसके चलते पूरे परिवार को कोलकाता में रुकना पड़ा। यहां हेलेन की मां नर्स के तौर पर काम करने लगी, और इस नौकरी से घर का खर्च निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में हेलेन भी अपने लिए एक नया काम तलाश कर रही थी। तब उनकी मुलाकात कुक्कू मोरे से हुई, जो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थी। कुक्कू जी ने हेलेन को फिल्मों में डांसर की नौकरी दिलवाई, और हेलेन जी ने आते ही अपनी अलग ही जगह बना ली। जब हेलेन 19 साल की थी, तब उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना मेरा नाम चिन चिन चू ऑफर हुई। इस गाने ने हेलेन की किस्मत बदल दी, और इस गाने के बाद उनके पास बहुत से ऑफर की लाइन लग गई। फिर चाहे वो पिया तू अब तो आजा हो या फिर मुंगड़ा मुंगड़ा गाने, ये सभी गीत बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और आज भी इन गीतों को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और दोस्तों, हेलेन की पीएन अरोड़ा से शादी। हेलेन ने साल 1957 में डायरेक्टर पीएन चोपड़ा से शादी की थी, और हेलेन का ये रिलेशन काफ़ी कड़वे अनुभवों से भरा था। 16 साल बाद हेलेन जी की ये शादी टूट गई थी, और पीएन अरोड़ा और हेलेन के बीच काफ़ी झगड़ा होता था। यही नहीं, हेलेन जी के पहले पति ने उनके सारे अकाउंट अपने हाथ में ले लिए थे, और ऐसे में हेलेन एक एक पैसे की मोहताज हो गई थी। उनका घर तक सीज हो गया था, और हेलेन अपनी पहली शादी टूटने के बाद काफ़ी परेशान थी। उन्हें काम नहीं मिल रहा था, और वे आर्थिक संकट से जूझने लगी। ऐसे में वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी। और दोस्तों, हेलेन की सलीम खान से मुलाकात, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब हेलेन को आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगे, उस समय उनकी ज़िंदगी में सलीम खान ने दस्तक दे दी। 1962 में फिल्म काबिल खान के वक्त दोनों हेलेन और सलीम एक दूसरे से टकराए थे, और उस समय हेलेन ने अपनी सारी परेशानी सलीम खान को बताई थी, और सलीम खान जी भी हेलेन की हर तकलीफ दूर करना चाहते थे, और वे उन्हें दिल से पसंद करने लगे थे। लेकिन उनकी ये नज़दीकी तब देखने को मिल रही थी जब वे पहले से शादीशुदा थे। सलीम खान जी की शादी सलमान खान की मां सुशीला चरक उर्फ सलमा खान से हुई थी, और उनके तीन बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल, और बेटी अलवीरा थी। और इसके बावजूद सलीम खान जी ने हेलेन से शादी की थी, और इस शादी का सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ने विरोध किया था। हालांकि सलीम खान जी ने कहा कि धीरे धीरे तीनों भाई ने हेलेन को स्वीकार कर लिया। सलीम खान जी और हेलेन जी ने एक लड़की को गोद लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि अर्पिता खान है। सलमा और हेलेन बहनों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हेलेन सलमान व उनके भाई बहनों को भी बेहद प्यार करती है, और वही अब इतने साल बाद भी सलीम और हेलेन दोनों साथ हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और आज है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन जी की जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से हेलेन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आओ, इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।